हे गाइस, माय नेम इज अनुज दत्ता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड अनाउंस किया है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतने दिन घर बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? तो इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ 8 थिंग्स टू डू व्हेन यू बोर्ड एट होम। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इन 21 दिनों में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, क्लीन आउट योर वार्डरोब। अब अगर फैशन यूट्यूबर हो गए, मैंने इस बारे में बात नहीं की, तो काहे का फैशन यूट्यूबर हो। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप अपने वार्डरोब को रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि ए, यह आपके फ्री टाइम को स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे और इवेंचुअली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो आपने बहुत टाइम से पहना ना हो और अब आप उन्हें पहन सकते हो। और तो और, आपकी मम्मी आपसे खुश हो जाएगी, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। नंबर टू, वर्क आउट इन होम। अभी इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप घर बैठ के खाना चबाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे और आपके पास दुनिया का सारा टाइम है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने को, तो क्यों नहीं? और तो और, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप फिटनेस ऐप यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप अपने खुद के वर्कआउट्स भी बना सकते हो। मुझे वर्कआउट करना पसंद है बिकॉज आई लाइक स्वेटिंग, इट मेक्स मी फील एक्टिव एंड रिफ्रेश। मैं पर्सनली यूज करता हूँ NTC ऐप, नाइकी ट्रेनिंग सेंटर, और कभी कभी मैं खुद के वर्कआउट्स भी बना लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको होम वर्कआउट पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नंबर थ्री, रीड अ बुक। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं था क्योंकि एक तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता था और मुझे कभी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था बुक्स पढ़ने में। लेकिन जब से ये लॉकडाउन वाला केस हुआ, मैंने एक बुक पढ़ना शुरू की है, वो है ये रोनाल्डो द ऑब्सेशन फॉर परफेक्शन, क्योंकि ऑफकोर्स ही इज माई इंस्पिरेशन, माई आइडल। इसलिए, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही बुक पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है जब से मैंने बुक पढ़ना शुरू किया है, दैट इट इज वेरी रिलैक्सिंग, वेरी सूदिंग। वो जो बुक की जो सेंट होती है ना, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। नंबर फोर, वर्क ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक चीज जो आजकल लोग नोटिस करते हैं आपके बारे में, वो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टिकटॉक। जब भी आप किसी एक इंसान से मिलते हो, वो एक सवाल तो जरूर पूछता है कि इंस्टाग्राम आईडी है। तो अब जब आप घर पे फ्री बैठे हो, तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, इट्स बेटर टू हैव 10 गुड फोटोज रादर देन हैविंग 100 बैड फोटोज। आप चाहे तो यूट्यूब वीडियोज भी बना सकते हो या टिकटॉक वीडियोज भी बना सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो, और क्या पता आप भी फेमस हो जाओ। नंबर फाइव, लर्न अ न्यू स्किल। अगर आपको ये सीखना है कि फोटोज कैसे एडिट करते हैं या यूट्यूब वीडियोज कैसे बनाते हैं या हाउ टू बिकम ए बेटर फोटोग्राफर या बैकफ्लिप कैसे मारते हैं या हाउ टू लर्न बॉक्सिंग, लिटरली कोई भी स्किल जो आप सोच सकते हो वो आप सीख सकते हो, वो भी फ्री, इफ यू डिसाइड टू गेट अप एंड ओपन योर लैपटॉप और यूट्यूब या गूगल पे सर्च करो। तो आप इस फ्री टाइम को यूज कर सकते हो जिसमें आप बोर हो रहे हो, टू लर्न एंड डेवलप अ न्यू स्किल। और किसे पता, ये आपकी हॉबी, पैशन या करियर भी बन सकता है। अब जब आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट गेमिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कोई ज्यादा गेम्स नहीं खेलता। जो मैंने लास्ट गेमिंग कंसोल खरीदा था वो था PSP और PlayStation 2, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है, और इससे पहले मैंने उसे एक साल तक छुआ तक नहीं था। पर अब जब मैं घर में बैठा हूँ तो मैं उसे रोज खेलता हूँ, और मुझे पता है कि बहुत पुराना है, बट आई स्टिल एंजॉय। और तो पता भी नहीं लगता कि कब 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम किलर। 7th पॉइंट है, कॉल योर फ्रेंड्स। आप अपने पुराने दोस्तों को कॉल कर सकते हो, आप उन दोस्तों से बात कर सकते हो जो आपसे दूर रहते हो, उनसे पूछो कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। आप अपने आसपास के दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, और दोस्तों के साथ बात करने के लिए कोई टॉपिक की तो जरूरत नहीं होती। एक दूसरे की बेइज्जती मारो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे मस्ती करो, और फिर देखना कि आपका टाइम यूं चला जाएगा, और फिर आप कितने रिफ्रेश्ड फील करते हो वो भी आप नोटिस करिएगा। आज का 8th और फाइनल पॉइंट है, स्टार्ट मेडिटेशन। दिन में बस 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करके देखो और फिर बताना कि आप कितने खुश, रिलैक्स्ड और प्रोडक्टिव फील करते हो। मैंने भी कुछ 2-3 महीने से ही मेडिटेशन शुरू किया है, एंड ट्रस्ट मी, यह आपके थिंकिंग कैपेबिलिटीज को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और हाँ जी, इसके लिए भी ऐप है, वो है हेडस्पेस। मैं खुद भी यही यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट आज के आज ही मेडिटेशन शुरू कर दो, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आप सब लोग सेफ है। प्लीज बाहर जाना अवॉइड कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए टू बिकम पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। और अगर आपको होम वर्कआउट या मेडिटेशन पे वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड विद दैट बीइंग सेड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।